अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है, घर वाले सब ठीक है। जो बीमार अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो औलाद अल्लाह पाक उनको बेशाल औलाद दे। मशाल से शाम का व्लॉग जरा हमारा स्टार्ट हो चुका है, तरह ना मेरे साथ आज ना मैं बना रही हूँ गोभी और जो है चावल की रेसिपी। गोभी और चावल की रेसिपी इकट्ठे ही नहीं बना रही है, अलग अलग बना रही हूँ। पहले जो है मैं दो दो डिश बना रही हूँ जी, वो दो दो डिश कैसे हो, वो जो ना अफ्तारी के लिए चावल बना रहे हैं और जो है फ्रूट वगैरह हो गया, चावलों के साथ रोजा जो है इफ्तार करेंगे। अच्छा, और उसके बाद जो है ये गोभी रोजा रखने के लिए है। हाँ, पहले जो है ना मैं इसको इसमें से सरिया निकाल लेती हूँ, रुक के जो है ना वो काट रही है। मैं वो आ गई है टमाटर खाने वाली। हाँ, उठा लिया उसने, टमाटर खाने वाली आ गई है। अक्सर नहीं करो, दो उठा लिया है कि नहीं, खुश हो रही है। हाँ जी, आज अक्सा के माशाल्लाह बाल काटे हैं, अभी माशाल्लाह अच्छी लग रही है अक्सा, अच्छी छोटी छोटी सी है ना अक्सा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और रुकिया जो है अभी प्याज जो है काट रही है, ऐसा जो है अभी गोभी बना रही है। वाह जी वाह। और यहाँ पे अम्मी जान ने जो है घास वगैरह इकट्ठा कर लिया है। अम्मी जान जो है गाय का कुछ चारा वगैरह काटना था, तो अम्मी ने कहा मैं जो है चारा वगैरह काटती हूँ, टोका लगाती हूँ, घास जो है वो जमा कर लिया है। अम्मी के साथ अभी जो है टोका लगवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, टोका लगाना है, लगाएं जी। रेडी हो आप? हाँ, रेडी। अच्छा, चलें गोभी ले आया हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी है। सहरी के लिए गोभी, अफ्तारी के लिए चावल। मैंने कहा ऐशा को दोनों डिश जो है इकट्ठे बना लो, मतलब अलग अलग बनानी है तो एक साथ ही मतलब वो हो जाए। हाँ जी, फिर रात को टाइम कम होता है ना, फिर उस टाइम तो बंदा नहीं बना सकता ना, नींद जब खुलती है आधा घंटा रहता होता है या एक घंटा रहता होता है, खाना पकाना चाह चाह बनानी। हाँ जी, टाइम नहीं होता सालन बनाना। हाँ जी, इसलिए बनाते रख देने। सही है। हाँ। अच्छा करती है ना ऐशा, ये सालन बना के रख देती है, जब रोजे का टाइम आता है बस गरम वगैरह करके रोटी बना के ताजी, फिर रोजा रख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चले अभी जो है टोका करें, ठीक है जी, अभी टोका लगाते हैं। माशाल्लाह जी, इधर देखें जी, टोका लगना जो है शुरू हो गया। रुकिया जो है घास दे रही है, अब्बू और अम्मी जो है टोका फेर रहे हैं, कुछ जो है अम्मी और अब्बू फेर लें, उसके बाद जो है मैं फेरूंगा। आधा लगा लिया है, अभी मेरी बारी है। चलो हट जाओ, फिर मेरी बारी है तो मैं लगाता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अम्मी बोल रही है थोड़ा सा मैं जो है वो कर लूँ, आपके अब्बू के साथ टोका लगवा लूँ, उसके बाद आप खुद लगवाना फिर आधा, क्योंकि कुछ ज़्यादा होता है ना आजकल, हम आधे से ज़्यादा मार के रख देते हैं, रात को भी डालते हैं और सुबह भी डालते हैं जी। हाँ, रोज़े होते हैं ना सबको, तो फिर हर टाइम तो नहीं लगाया जा सकता जी। ऐसे ना जी। चलो सही है, ठीक है जी। हाँ। कल फिर इस टाइम को लगा, ठीक है जी। माशाल्लाह जी, यहाँ पे देखें जी, ऐशा ने जो है एक थाल जो है गोभी का काट लिया है मुकम्मल, अभी जो है दूसरे थाल में शुरू हो गई है जी। हाँ जी, तो इधर जो है हमारे रखे हुए चावल। वाह जी वाह,
सामान भी। कितनी देर है अभी? अभी ये एक फल काट लूं। अच्छा बस पकाना स्टार्ट करते हैं। एक ये रखा हुआ है ना आपके साथ, ये वाला, ये नहीं काटोगी? ये ही। अच्छा हाँ, ये है जबरदस्त। ये देखो सोनी लग रही है, सोनी लग रही है, ताजा ताजा मुझे लग रही है ये। हाँ है जो ताजी। हाँ आप पता है क्या करो? क्या करूँ? ये तक आग जलाओ, अच्छा काट लो, फिर पकाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी मैं आपको आग जला देता हूँ। और बताओ? और बस हाँ सिर्फ आग जल जाए बस। हाँ और मैं कर लूंगी। चलो हाँ। चलो मैं आपको आग जला देता हूँ। मैं जब तक सब्जी काटूंगी ना हाँ आग अच्छी खासी मच जाएगी। हाँ मोटी मोटी है ना, लेट आग लगती है। हाँ मैंने ऐड कर दिया, अच्छा खासा गरम हो जाए, बाद में इसमें करेंगे प्याज। पहले चावलों की रेसिपी बना रही हो क्या? अच्छा बाद में बाद में जो है ना चावल जल्दी बन जाएंगे ना, फिर बाद में बनाऊंगी सब्जी। अच्छा तैयारी का टाइम होने वाला है ना। हाँ जी तो इसलिए चावल के साथ तैयारी करेंगे, पहले वो बना लेंगे बाद में वो सब्जी बना लेंगे। अच्छा जी अच्छा खासा ग्रोन हो चुके हैं अभी जो है इसमें हरी मिर्ची प्याज टमाटर हरी मिर्ची और जो है ना मेथा और टमाटर मैंने ऐड कर दिया, ये अच्छे खासे ग्रोन हो जाए, बाद में इसमें करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है। हल्दी नहीं ऐड करोगी? हल्दी भी ऐड करूँगी, हल्दी में इसे लास्ट ऐड करूँगी। अदरक का पेस्ट बनाना है, हल्दी और लाल मिर्ची और जो ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, ये अच्छा खासा जो ना भुनीज जाए, बाद में जो ना इसमें करेंगे पानी और जो है ना ये पानी उबलता रहेगा, हम जो है ना जाएंगे चावल बनने के लिए। जबरदस्त, अभी मुझे लगता है आपको खाना बनाने अच्छे तरीके से आ जाते हैं। और एक कमी है। हाँ 10 रुपए की जो पत्ती नहीं मिलती वो सोनी। हाँ मिसाले वाली। हाँ वो मंगवाए वो एंड में जब दाम लगाऊंगी उस टाइम डालूंगी। कौन सा? वो बिरयानी मिसाला। हाँ वो मंगवाऊं जी? चलें जी मंगवा देते हैं आपको। अच्छे खाने जब बनाते हैं ना तो फिर मंगवाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोका भी लगा लिया है जी। हाँ जी ये देखें टोका जो है हमने लगा लिया है। अम्मी जान जो है अभी अलहदा अलहदा कर ली है सुबह का और शाम का, गाय का जो घास है ये देखो अलहदा अलहदा करना है अभी जी। अच्छा अभी और डालना है ना। हाँ इसलिए मैं कुठारा कपड़े में डालूं। अच्छा कुछ अभी डालना है कुछ सुबह डालना है। ठीक है जी इसलिए। चलो फिर अलहदा अलहदा कर लो आप, फिर उसके बाद जो है फिर एक डालते रहेंगे। हाँ जी मसाले हमारे अच्छे खासे ग्राउंड हो चुके हैं और उसमें जो है मैंने पानी ऐड कर दिया, मैंने सुबह पहले जो है चलती हूँ जब तक पानी उबलता है चावल को धुलाई करके ले आती हूँ, बाद में जो है मैं करूँगी वो क्या कहते हैं पालक के मिसालों की कटाई। जो पालक पका रहे हैं गोभी गोभी पका रहे हैं ना, हो जाता है बंदा। रमजान शरीफ है जी। वो आ गई, वो देखो नहीं वो पत्तू वाली थी, वो आ गई है आपके साथ। अच्छा आ गई है। हाँ अभी वो चलने वाली माशाल्लाह हो गई है। हाँ। अभी देखना नलका वो करेगी, घेरेगी, पानी आएगी। अब आप नलका घेरो। हाँ अम्मी को हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ वो बोल दे मैंने शाही देनी है अम्मी को। मेरी हेल्प ना करो, अभी मैं नहीं घेरा। जब बुरी हो जाएंगी फिर हेल्प करना। हेल्प करना ठीक है। आप पता है क्या करो, यहाँ पे बैठ जाओ मैं चावल धोलूं ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है वो आपकी हेल्प करने आई थी बेचारी, वहाँ से चल कर। हाँ। वहाँ से आई है आपकी हेल्प करने के लिए। वो दादी के साथ पहले झाड़ू लगा रही थी। हाँ हाँ अच्छा 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 क्या है क्या है आज? अच्छा क्या हो गया है? ठहर जाओ चावल को धो लो।
वाह जी वाह माशाल्लाह। अम्मी जान जो है अभी पहुंच चुकी है ड्रमी के पास, तो यहाँ पे देखें आटा जो है छनाई हो रहा है, क्या बात है, जबरदस्त। अम्मी ने जो है फ्रूट वगैरह काट के रख दिए हैं तो वो कुछ ठंडे हो जाएं, तो अम्मी ने कहा मैं जब तक आटा गुनाई कर लूं। अक्सा जो है रोने लग गई है, तो ऐशा ने अक्सा को उठा लिया, तो वो उसने चावल जो है वो बना लिए हैं, बाकी जो है उसने कहा मैं सालन बना लेती हूँ, तो अम्मी ने कहा चलो मैं आटा गूंद कर रोटी बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं गूंदना, कम रोटियाँ, क्योंकि फ्रूट भी हैं चावल भी हैं, फिर रोटियाँ कम ही खाई जाएंगी, बस जितना खा सको ना उतना, क्योंकि रोटियाँ फिर बच जाती हैं, कल भी दो तीन बच गई थी, रात भी दो तीन बच गई थी, हाँ बचने नहीं चाहिए, इतना काफी है। अल्लाह पढ़ो, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह 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 पढ़ो, अल्लाह दुआ मांगो, अभी दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांगो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसे ऐसे अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर। चलो आप ऐसे लस्सी तो बनाओ, ऐसे ये लो, हाँ ऐसे जैसे आपकी दादी बनाती है ना लस्सी, वैसे हाँ ऐसे 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 बनाती है आपकी दादी लस्सी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ऐसा ने चावल धो लिया है जी। पानी भी उबल रहा है यहाँ पे देखे, वाह क्या बात है जी क्या बात है। अभी जो है ना हाँ पानी हमारा अच्छा खासा उबल चुका है, अभी जो है चावल काट दिया है, ये अच्छे खासा है ना। ये रो क्यों रही हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, ये काम में है ना, हाँ धुआं आया है, धुआं आया है, हाँ। अच्छा नहीं आने देते धुएं को, आग जल रही है कैसे रोकूं मैं इसे। ऐसे होता रहता है। अच्छा वाह जी वाह जबरदस्त। ये ऐशा जब दिल से चीज कोई बनाती है ना फिर ऐसे बनाती है, हाँ। खाने को भी दिल करता है, नहीं बनाता क्या, हम वैसे भी शौक से जब बनाती हो ज्यादा अच्छा बनाती हो। हाँ जी पूरे हो तो फिर जो है ना सालन भी अच्छा खासा बनता है। अच्छा हाँ, भुनाई के लिए कुछ नहीं हो तो आप ले आओ नमक मिर्च खालिस है, दाल पका ले तो वो कैसे से लज्जत होगी। अच्छा हाँ। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, मिसालों में ज्यादा मतलब हाँ, चीज मतलब अच्छी बनती है, बच्चे अच्छी भुनी जाती है ना, हाँ तो इसलिए जरा सालन भी अच्छा खासा बनता है। अच्छा जी हाँ ये भी होता है। मुझे लगता है आग नहीं जल रही नीचे, देखते हैं, हाँ आग खत्म हो गई है, जल रही है थोड़ी थोड़ी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अम्मी जान जो है फ्रूट ले आई है, किन्नू और खरबूजे, वाह जी वाह। अभी जो है इनको धो रही है और इनको जो है काटना स्टार्ट कर रही है, शुरू कर रही है, वाह जी वाह। और इधर जो है हमारे रेसिपी को जो है दम लगा दिया चावलों को ऐशा ने, क्या बात है जबरदस्त। माशाल्लाह ये रखी हुई छुरी, यहाँ छुरी ढूंढ रही थी ना, ये लो इनको जो है छील लो, माल्टों को नहीं खरबूजों को, माशाल्लाह। अभी मौसम तो नहीं है, है खरबूजों की हैं, मौसम तो काफी भी बारह महीने होती है, खरबूजे की बारह महीने थोड़ी होती है। ये कैसे अलिया बना रही हो,
क्या बात है, जबरदस्त। आपको पता ठीक है या पूरा साबित काट कर पूजा? हाँ ऐसे, वाह जी वाह। रुकिया जो है ले आई है बर्तन, क्योंकि टाइम जो है ओवर हो रहा था, तो रुकिया ने कहा मैं बर्तन धो लूं, क्योंकि इसकी ड्यूटी है बर्तन धोने की। ये अपनी ड्यूटी जो है कर रही है, इसकी 8 घंटे ड्यूटी है, है ना। मजाक कर रहा था। प्यारी सिस्टर हो ना आप, हंस के सुनाती नहीं है आजकल, पता नहीं क्यों। रोजा है इसलिए मुंह जो है सुजाया हुआ होता है। हाँ सुनाओगी हंस कर? कब कब? अच्छा, जब रोजा आप इफ्तार कर लोगे उसके बाद सुनाओगी हंस के? ठीक है, या बर्तन धो के? बर्तन जब धो लेगी रुकिया, आपको हंसी लाजमी सुनाएगी आपको, है ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हंस कर हमें सुनाओगी और बहन भाइयों को भी हंस कर सुनाओगी, ठीक है जी। अब्बू जो है गाय के लिए खल वगैरह घास जो है मिक्स कर रहे हैं। देखें घास और खल दोनों जो है मिक्स हो रही हैं, ये देखें। और इसमें टुकड़े डाले थे अब्बू? हाँ अच्छा अच्छा, और भूसा नहीं डाला आज? घास बहुत है, घास बहुत है। अच्छा, नमक भी चाटती है घास भी खाती है, है ना। क्या कर रही हो? क्या ये? हाँ आपकी सिस्टर बना रही है पकोड़े। अच्छा सिस्टर आलू ले आई है, कह रही है पकोड़े बना दो। उसको बोलो तो आज तो हम बना नहीं रहे थे। वो कह रही है मैं खुद बनाती हूँ। चलो उनके पास कढ़ाई वगैरह नहीं है ना, चलो खैर, चलो फिर उसको बना देते हैं पकोड़े। आलू काट दो, बेसन वगैरह वो ले आई है सारी चीजें, फिर उसको बना दो, कोई बात नहीं। और ऐशा यहाँ पे चावल मुझे लगता है ऐशा ने तैयार कर लिए हैं। अक्सा को भी सुला लिया आपने? फिर उठ गई है? अच्छा क्या किया है? मुंडी उठाई है। अच्छा आज खत्म हो गई थी क्या? अभी सालन बना रही हो गोभी? चलो बनाओ बनाओ, चूल्हा तो एक है, फिर ये किस पे बनाओगी पकोड़े? अच्छा चलो बना दो बना दो। हाँ फिर आग जला देना उसमें, सही है। ऐशा जो है अभी दूसरा सामान जो है इकट्ठा कर रही है सारा, दोबारा दवरी मोला उठा लिया है। छुरी दो अम्मी, वो ले आई थी रुकिया, वो ऐसे रुकिया दूसरी जो छुरी ले आए थे वो दे कर आई हो तो कर। चलो ये बर्तन रख दो, फिर दोबारा वो दूसरी छुरी ले आओ अपनी, वो आलू काटेगी। ये बर्तन रखो रखो रखो, खुड्डी पे रख दो। माशाल्लाह मिसाले रेडी हो रहे हैं। क्या कर रही हो? हाँ ओए डरा रही हो मुझे? माशाल्लाह, ये जी मेरी भांजी है, ये मेरी सिस्टर के साथ आई है, पकोड़े बनवाने आए हो, खाओगी पकोड़े? ये तो गुस्सा हो गई है। हाँ ये मेरे से गुस्से हो रही है, क्या है इसको? क्या बताऊं, करो पूछ। पता नहीं, ये ऐसे गौर गौर से देख रही है, जोर जोर से मुझे। ऐसा देखा है? हाँ। गुस्से हो रही थी। अक्सा नहीं है, गाली करती है, वैसे वो देखती ऐसे गुस्से जैसे हो गई है। अच्छा अभी भी देखे वैसे भी। वे, वे, चलो बना देते हैं, गुस्सा नहीं हो, पकोड़े आपकी अम्मी को बना देते हैं हम। वो दोबारा गुस्सा हो रही हो? अच्छा हो जाओ आप गुस्सा, हम नहीं बना देंगे पकोड़े। टमाटर और हरी मिर्ची, हाँ जी
गोभी के इधर दो थाल काट के रखे हुए है कब से, ये कटे कटे इधर सूख न जाए। नहीं सूखते, नहीं सही बात है। और इधर कढ़ाई में आलू भी कटे जा रहे हैं गोल गोल, अम्मी बोल रही है गोल गोल पकोड़े बना के दूंगी है। कारीगर हो आप, चलो पता चल जाता है आज। हाँ जी, और ऐशा ने इधर लाल मिर्ची भी काफी सारी डाल दी है। अच्छा कड़वी नहीं, इसलिए काम डाला है। सही, मसाला अच्छा खासा भुन चुका है, अभी जरा इसमें गोभी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह ऐड कर दे, इसे मिक्स कर ले बाद में जरा। और ये है तो ज्यादा देखती में आ जाएगी। हाँ, अच्छा कम हो जाएगी दाम जब लगाएंगे ना। अच्छा कम हो जाएगी, पहले मैं इसको सीधा कर लूं। इसको सीधा कर लो सही तरीके से। अभी फिट है। हाँ, और अम्मी जान ने जो है यहाँ पे बेसन भी लो लिया है। वाह जी वाह, मिर्चियाँ थोड़ी और डालनी पड़ेगी। नहीं ज्यादा नहीं, बच्चों के लिए है। चलो ठीक है फिर, फुल गई थी ये। अच्छा अच्छा सही, वाह जी वाह, ख्याल करना बाहर ना जाए। वाह जी वाह, सुने वाह जी वाह। अबू जान जो है सिस्टर को पकोड़े बना के दे रहे हैं। इधर जो है तीन ईंटें रख ली हैं और फिर जो है पकोड़े बना रहे हैं। यहाँ पे सिस्टर को पकोड़े बना के दे रहे हैं। बेसन पतला हो गया है, आलू डाले हैं ना ज्यादा, थोड़ा बेसन डालो इसमें। माशाल्लाह जी, सिस्टर जो है अभी चीनी ले आई है और रूह अफजा भी ले आई है। मीठा पानी बना रही हो क्या जी? अच्छा मुझे पिलाओगी? जी पिलाऊंगी। कितना, एक गिलास? ऐशा को भी नहीं देना, ऐशा को भी देना। अच्छा चलो, वहाँ जी रूह अफजा भी डालना है। जामे शीरी थोड़ा सा, ज्यादा डाल लेगी ये। अच्छा अच्छा, हाँ अभी रस्ता हो गया है। जैसे फोन होता है ना, बिल्कुल वैसे कर दिया अभी तुमने तो। हाँ ताकत, इसे ताकत होगी। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा माशाल्लाह जी। यहाँ पे देखें अभी जो है रोटी का टाइम आ गया है, तो ऐशा भी आ गई है, अम्मा भी आ गई है। क्या बात है, अभी जो है अम्मी जो है रोटी बना रही हैं, ऐशा जो है आग जला रही हैं। तवी को अच्छे तरीके से धो लिया है और पानी भी लगा लिया है, इसको साफ भी कर लिया है। मिलजुल कर जो है काम करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। रोटी बढ़ना शुरू हो गई है, ऐशा ख्याल रखना। माशाल्लाह ये है बड़ी रोटी आती है अम्मी आपको, बड़ी रोटी बनाना? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी, देसी जो हमारा दस्तरखान है, इधर बैठने का मजा भी और है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बैठो अबू जान। और अभी जो है ये देखें खरबूजे को जो है निकाला जा रहा है। ऐशा जो है बीज खाएगी, मैं जो है ये जो खरबूजे हैं वो खाऊंगा। चलो सही है। हाँ हाँ मार के। अच्छा अच्छा, इधर से भी खा लोगी जब बेच मुकेगा ना। हाँ सही। चले अभी जो है ये टाइम पास कर रही है, क्योंकि रोजे को अभी तकरीबन 10 मिनट रहते हैं। टाइम पास में काम अपना निपटा रही है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, चलो रोटी पाना स्टार्ट करो आपकी मर्जी।
रोटी बन गई है माशाल्लाह, रोटी भी बन गई है, ये देखे जी माशाल्लाह, पकोड़े भी आ गए हैं। मुझे लगता है सिस्टर ने आपको लोगों के लिए भी पकोड़े थोड़े से रख लिए हैं, उसने कहा आप भी रोजा बढ़ाना। मैंने तो बोला है सिस्टर को कि हमने कल खाए थे, उसने कहा नहीं आप भी थोड़े से रख लो, आपने बना के दिया है। ओ माशाल्लाह, ढक्कन खोल दिया है, वाह सना वाह माशाल्लाह, जबरदस्त कैसी है, जबरदस्त। रुकिया ऊपर पानी रखा हुआ है, वो भी उठा लो। इसको कैसे यहाँ पर मुझे खाल बना है, बड़ा है या छोटा है, यही है खाल, उधर दे, इधर मेरे पास रखो, अम्मी को दे दो, साथ नहीं आया अभी तक, पता नहीं कहाँ है वो बेचारा, सारा दिन पता नहीं कहाँ रहता है वो। ये उगाने जाप जाएगा, अभी टाइम पास करता है, क्या अच्छा सारा दिन टाइम पास करता है जी, उसको रोजा होता है ना। अच्छा उगा क्या, हाँ कहाँ उगा के आना है, जमीन में सब कुछ उगाना है। इसकी बातों में मुझे बहुत वो होती है कि ऐसी ऐसी बातें करती, मैं उगा के आऊँ, अभी रोजे का टाइम है, आप उगाने चली जाओगी, मैं क्या उगाएंगे फिर अपने आ जाएंगे। अच्छा अच्छा रख दे, कल उगा देना, आपको लेने की टेंशन नहीं होगी। अच्छा अच्छा, मुझे वैसे भी अल्लाह पाक का शुक्र है, अभी कोई टेंशन नहीं है अभी। हाँ जी, पानी की लोडे आ गई है, ठंडा है पानी, ज्यादा भी ठंडा नहीं पीना, हाँ अभी मौसम नहीं है, फिर गले खराब हो जाएंगे तुम लोगों के। हाँ जी ज्यादा ठंडा नहीं है, हमने जो है 4 बजे रखा था, हमने कहा थोड़ा सा वो हो जाए। अच्छा जी, नलके का पानी गर्म हो गया। सालन तो अम्मी उठाया नहीं है, रोटी तो रोटी नहीं खाओगे, रोटी खाओगी फिर सालन को थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह जी यहाँ पे देखें सारा सामान जो है रेडी है, ये देखें माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अभी सात भाई भी आ गया है, तो अभी अजानें होने वाली है, सब जो है दुआएं दुआ के लिए जो है हाथ खड़े किए हुए हैं, बहन भाइयों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, सब के लिए जो है दुआ कर रहे हैं, रोजे का भी टाइम होने वाला है। अक्सा ने बेर भी सारे नीचे गिरा दिए हैं, हम भी अभी रोज़ा खोलते हैं, वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अगर किसी बहन भाई ने रोज़ा खोलना है वो आके हमारे साथ खोल सकता है। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।